अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? आज की हमारी टॉपिक है इप्सम सॉल्ट एंड जिप्सम सॉल्ट, यानी कि मैग्नीशियम के कंपाउंड्स और कैल्शियम के कंपाउंड्स। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हो तो बेटा कॉमनली नोन एज इप्सम सॉल्ट। मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्ट को हम इप्सम भी बोलते हैं और कैल्शियम को हम जिप्सम भी बोलते हैं। तो आज हम इप्सम और जिप्सम की केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। सबसे पहले याद रहे बेटा, जो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है वो नेचुरली हमें मिलता है कैसराइट फॉर्म में मिलता है। जियोलॉजिकल नेम है मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? कैसराइट। अगर ये इंट टेस्ट में सवाल आ जाए द केमिकल फार्मूला ऑफ कैसराइट इज, तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट किस तरह से बनाते हैं बेटा? बहुत आसान तरीका है कि आपके पास सोर्स या तो मैग्नीशियम का होना चाहिए, या मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, या मैग्नीशियम कार्बोनेट होना चाहिए। इनमें से कोई भी इंग्रेडिएंट होगा आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट आसानी से बना सकते हो। बाकी जो माइनर प्रोडक्ट है वो डिपेंड करेगी, अगर जो मैग्नीशियम हो तो हाइड्रोजन गैस, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, हाइड्रोक्साइड हो तो दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, अगर कार्बोनेट हो तो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी एलिमिनेट होगा। जो आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा उसको पानी में डिजोल्व करो, कुछ टाइम के बाद उसको जो है वो हीट करो, तो स्पेसिफिक नंबर जो है, प्रिसाइज नंबर जो है, यानी कि 7 वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर रह जाएंगे, जिसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही बोलते हैं और जिसको हम कॉमनली इप्सम सॉल्ट बोलते हैं। याद रहे बेटा, इप्सम सॉल्ट का जो यूज़ है माइल्ड पर्गेटिव एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी कि कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम बाथ सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बाथ सॉल्ट। वजह क्या है बाथ सॉल्ट बोलने का? याद रहे बेटा, इसको इंग्लिश सॉल्ट भी बोलते हैं, बाथ सॉल्ट भी बोलते हैं। याद रहे, अगर पाँव में ज़्यादा तकलीफ हो तो इसका सॉल्यूशन बना के दोनों पाँव इसके अंदर जो है वो डुबो दें, और कुछ टाइम के बाद आप खुद फील करोगे, आप रिलैक्सेशन फील करोगे, या जितनी भी थकावन होगी, थकावट होगी, वो भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम इसको बाथ सॉल्ट भी बोलते हैं। इंग्लिश सॉल्ट इसलिए बोलते हैं कि ये ज़्यादातर जो है वो जो डिप्रेशन पेशेंट हैं, जैसा कि हमारे एशियन में हम ज़्यादातर जो है वो पीर फकीर के पास जाते हैं, अंग्रेज़ जो है वो किसी के पास नहीं जाते हैं, तो हर घर में ये सॉल्ट पड़ी होती है, इसलिए हम इसको इंग्लिश सॉल्ट भी बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट में सवाल आ जाए इंग्लिश सॉल्ट, तो मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को इंग्लिश सॉल्ट बोलते हैं और बाथ सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद छोटी केमिस्ट्री हमारे पास कैल्शियम सल्फेट की। क्या है बेटा? कैल्शियम सल्फेट। याद रहे बेटा, जो नेचुरली अकरेंसेस है वो एनहाइड्रस फॉर्म मिलता है, यानी कि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं पाया जाता है। उसके अलावा इसमें डाइहाइड्रेट भी पाया जाता है, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि दोनों फॉर्म से नेचुरली हमें मिलते हैं। एक कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्रेट जिसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है, एक जिसमें दो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि दोनों नेचर के अंदर पाए जाते हैं। पानी में ये स्प्रिंगली सॉल्यूबल है, यानी बहुत कम सॉल्यूबल है, अगरचे एक्सेस में पानी में पड़ जाए तो याद रहे कि परमानेंट हार्डनेस का भी सबब बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा वाटर अगर कैल्शियम सल्फेट के ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हों तो। डाइहाइड्रेट को अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करोगे तो याद रहे बेटा हेमी हाइड्रेट आपको मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कॉमन नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर फार्मूला आ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला एक ये है, कैल्शियम सल्फेट 1/2H2O भी है, कैल्शियम सल्फेट 2 1H2O ये भी इसका केमिकल फार्मूला है, तो दोनों सही फार्मूला है। वजह, यहाँ पर दो कैल्शियम सल्फेट के आपने मोल्स लिए हैं, यहाँ पर एक ही कैल्शियम सल्फेट का मोल है, तो इस हिसाब से दोनों का फार्मूला क्या बने? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका जनरल फार्मूला होता है। याद रहे बेटा इसके जो यूजेज हैं, अगर आप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप देखें, यस, एट हाई टेम्परेचर गिब्सम लॉस ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेगा? लॉस कर देगा, तो एनहाइड्रस सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट जो है, जिसे हम सिंपली कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं, सोर्स है किसका? सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का,
और वो सल्फर डाइऑक्साइड हम यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? हम इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है बेटा, याद रहे इसको अगर आप पानी में डिजोल्व करो 5-6 मिनट के लिए तो ये एक हार्ड मास बन जाएगा, और जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो पट्टा जो चढ़वाते हैं ज़्यादातर जिसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। टेक प्लेस एक्सपेंशन, ये बड़ा फूल जाता है। दिस प्रॉपर्टीज परमिट्स टू यूज द प्रिपरेशन ऑफ द मोल्ड्स यूज इन द सर्जरी कैस्टिंग, इसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा याद रहे हमारी छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है आपका यस ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बेटा ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। याद रहे बेटा इसका जो फार्मूला सजेस्ट किया था वो क्या था? प्रोफेसर ऑर्लिंग ने। अगर इंटरेस्टिंग सवाल आ जाए हु सजेस्ट फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो राइट आंसर होगा प्रोफेसर ऑर्लिंग। और जो हम बनाते हैं आज जो हम इसको बनाते हैं हेजन क्लेवर प्रोसेस से बनाते हैं। जैसे हम डिफरेंट मेथड से डिफरेंट चीज़ें बना चुके हैं पहले भी, सोडियम मेटल बाय डाउंस प्रोसेस, साल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट, तो इस तरह से ये जो पर बनाते हैं वो हेजन क्लेवर प्रोसेस से बनाते हैं। लॉन्ग पाइप्स लगे होते हैं जिससे क्लोरीन गैस पास करके हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिजल्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो याद रहे बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को पानी में डिजोल्व करोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिक इन नेचर हो, नॉट इन एसिडिक नेचर। वजह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका बेसिक इन नेचर होता है। व्हेन इट रिएक्ट विद द क्लोरीन, अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दें तो याद रहे बेटा हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस जो है वो आसानी से एलिमिनेट हो जाती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें तो याद रहे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड प्रोडक्ट हमें मिलती है। इसके बहुत सारे यूजेस बेटा, स्टरलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि जो पीने वाला पानी है उसको साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग कॉटन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेंस एंड पेपर पल्प इंडस्ट्री, यानी पूरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं। इट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड क्लोरोफॉर्म, इन तमाम के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था बेटा हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के बाद बेटा मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए ब्रेक दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपका जो है कोर्स माशाल्लाह तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैं ये सोच रहा था कि अब टेस्ट का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। टेस्ट बेटा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी एक्सपेक्टेड 10 जुलाई को टेस्ट होगी। तैयारी करें बेटा चैप्टर नंबर 5 और 6, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी टेस्ट होगी 7 और 8 चैप्टर की। फिर इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री को प्रॉपर फिर 4 और 5 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो हदफ है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाकी हमारे पास 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और 5। 4 चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह हम सीक्वेंस से चलेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।